इस प्रोग्राम में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स इन जावा। बेसिकली हम दो नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करेंगे जावा प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो इसके लिए हम जो इनपुट लेंगे दो नंबरों का वो यूजर से लेंगे। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें जावा में एक पैकेज की नीड पड़ेगी, जिस पैकेज का नाम है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके इस पैकेज की हेल्प लेंगे। यहाँ पर स्कैनर जो है क्लास है। ओके तो इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एस सी इक्वल न्यू स्कैनर, और इसमें पास कर देंगे सिस्टम का एस कैपिटल लगा डॉट इन, और इसे सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा जब प्रोग्राम रन हो तो हमें यूजर हमसे प्रोग्राम पूछेगी एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैसेज देंगे। ओके तो हमारा मैसेज ये रहेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसमें जो मैसेज रहेगा एंटर फर्स्ट नंबर ये मैसेज हमें शो हो। अब जो हम यूजर से जो फर्स्ट नंबर लेंगे तो वो नंबर हमारे किसी वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंटीजर टाइप का, जिसमें वेरिएबल नेम हमारा रहेगा नेम वन इक्वल जो नंबर इनपुट हो इसमें नंबर कैसे है। तो इसके लिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज यहाँ करेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे नंबर हमारा जो है इंटीजर टाइप, इसका इंट को यहाँ पे यूज करेंगे, और इस इंट का आई कैपिटल रहेगा, उसे सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। जैसे ही नंबर एंटर करेगा इस नम वन में वेरिएबल में नंबर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकेंड नंबर को भी यूजर से लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन, और इसमें मैसेज देंगे हम एंटर सेकेंड नंबर। ओके अब जो सेकंड नंबर भी हो किसी वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए उसके लिए हम डाटा लेते हैं इंटीजर टाइप, और वेरिएबल नेम यहाँ पर हम ले लेते हैं नम टू इक्वल एस सी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो है डाटा टाइप इंटीजर, इसलिए यहाँ पे इंट लेंगे नेक्स्ट इंट, और सेमी कॉलन से क्लोज हो जाएगा। इस तरह से हम दो नंबर यूजर से ले चुके हैं, अभी दो नंबर नम वन एंड नम टू में स्टोर हो चुका है। अब हमें एक कंडीशन लगाना है कि इन दोनों में से कौन नंबर ग्रेटर नंबर है। ओके तो इसके लिए सिंपली हम कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन की हेल्प लेंगे, और यहाँ पर देंगे नम वन ग्रेटर देन नम टू। ओके बेसिकली यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये शो करेगा अगर नंबर वन अगर ग्रेटर नंबर है तो यहाँ पर सिंपली एक मैसेज आकर हमें प्रिंट हो जाना चाहिए। वो मैसेज क्या रहेगा ये दिखाते हैं आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें मैसेज हो जाएगा नंबर फर्स्ट इज ग्रेटर नंबर, ये हमें मैसेज आ जाना चाहिए। ओके ये नंबर हमारे यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर बाय द वे नंबर फर्स्ट ग्रेटर होगा नंबर सेकेंड हो तो इसके लिए हम कंडीशन दे देंगे एल्स इफ की हेल्प से। ओके तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नम टू ग्रेटर नम वन। अब ये कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर अगर टू ग्रेटर होगा तो ये जो स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूट होगा। ओके अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये कंडीशन होगा यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसमें जो हमारा मैसेज रहेगा वो रहेगा नंबर सेकंड इज ग्रेटर नंबर। ओके ये हो गया। अगर बाय द वे दोनों नंबर कंडीशन क्या हो, इक्वल हो, मतलब दोनों नंबर सेम हो, तो क्या होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली हम एल्स कंडीशन में पास कर देंगे एल्स, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसमें लगेगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। ओके इक्वल्स हो जाना चाहिए। ये कंडीशन है, बेसिकली यही कंडीशन हमें हेल्प करेगा नंबरों को, दो नंबरों को ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने में। अगर पहली नंबर ग्रेटर होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बाय द वे ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट है, अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो जाएगा तो ये हमारा ही थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई होगा। ओके तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम को यहाँ से रन करते हैं। ओके और वेट करते हैं कि हमारा क्या आउटपुट शो होता है। तो जैसे हमारा प्रोग्राम रन हुआ यहाँ पर देखिए एंटर फर्स्ट नंबर। ओके तो यहाँ पर हम एंटर फर्स्ट नंबर कर देते हैं 12, और एंटर थर्ड नंबर सेकंड नंबर जो हम एंटर करते हैं 4। तो देखिए आप क्या लगे, नंबर फर्स्ट इज ग्रेटर नंबर, नंबर फर्स्ट जो है वो ग्रेटर नंबर है। बट हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर नंबर भी शो हो जाए कि फर्स्ट नंबर क्या है सेकेंड नंबर क्या है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लिख देंगे नम वन और कनकनेट कर देंगे। ओके थोड़ा स्पेस दे देते हैं तो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, और सेकंड नंबर है तो यहाँ पे सेकंड आ जाना चाहिए नंबर। तो यहाँ पे सिंपली हम नम टू पास कर देंगे और प्लस ऑपरेटर के लिए इसे हेल्प कर देंगे। इस तरह से हमारा सेकंड नंबर भी सो हो जाएगा और फर्स्ट नंबर भी सो हो जाएगा। इससे हम ये पता चला कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या था और सेकंड नंबर क्या है। ओके
अगेन हम प्रोग्राम को रन करते हैं और बीट करते हैं अपने आउटपुट को। तो यहाँ लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर हम 2 कर देते हैं एंड एंटर सेकेंड नंबर जो है 56 करते हैं। तो यहाँ देखिए 56 नंबर सेकेंड इज ग्रेटर नंबर, मतलब 56 टाइप सेकेंड नंबर है और ग्रेटर नंबर। तो इस तरह से हम दो नंबरों में से ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग जावा प्रोग्राम। आई होप आप ये समझ पाए होंगे।